नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं कमोडिटी मार्केट में, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 0222300 1634। इसके अलावा आप 0222300 1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मानसून की, क्योंकि मानसून को लेकर आज आईएमडी ने, मौसम विभाग ने अपना पहला पूर्वानुमान जारी कर दिया है और जिसमें ये कहा है कि इस बार अच्छी बारिश होगी। जून से सितंबर के बीच 98% बारिश की उम्मीद आईएमडी ने जताई है। और बड़ी बात ये कही है आईएमडी ने कि देश भर के ज्यादातर इलाकों में सामान्य बारिश का अनुमान है, तो अच्छी बात है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट डीएस पई साहब जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने पहला पूर्वानुमान अच्छी बारिश का दिया है। सर, जब 98% की बात हम कर रहे हैं बारिश की, तो ये बॉर्डर लाइन है 98%। सर, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप क्या? मतलब 98% तो ठीक है, मतलब ये माना जाए कि सामान्य मानसून तो रहेगा, लेकिन बहुत झमाझम बारिश या बहुत अच्छी बारिश की संभावना नहीं है क्या? हमने वो एक मैप भी दिया था फोरकास्ट का, प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट। आपने जैसे बताया था कि एक्सेप्ट ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट सम एरियाज है, मोस्ट ऑफ द अदर एरियाज ये नॉर्मल या अबव नॉर्मल बारिश होने की संभावना है। तो ये जिधर कम बारिश है वो एरिया जनरली नॉर्मल रेनफॉल अच्छी मिलते हैं, सो विच मीन्स दैट ये सीजन में हम लोगों को वेल डिस्ट्रीब्यूटेड गुड रेनफॉल इज लाइकली टू ओकर। सो विच मीन्स इवन 98 तो पर भी सारे एरियाज में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके ओके, अच्छा, तो आपने कहा कि अलग अलग इलाकों में अच्छी बारिश होगी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सर, वन सेट को लेकर, मतलब इस बार मानसून कब आएगा, इसको लेकर कुछ अंदाजा है क्या अभी, कि जैसे वक्त पे आएगा या डिले होगा थोड़ा? सी, जनरली आप जानते हैं कि केरला में 1 जून तक मानसून की दस्तक होती है, लेकिन उसी समय में आप जानते हैं मई में कोई साइक्लोन सिस्टम ये सभी होने का भी संभावना होती है, और इसके कारण ऑनसेट में एक हफ्ते इधर उधर होता है। सो इसलिए जनरली ऑनसेट का फोरकास्ट हम लोग ऑलमोस्ट 15 दिन के पहले ही देते हैं। इस बार भी हम लोग मई 15 तक ऑन मई 15 फोरकास्ट देंगे, लेकिन एस ऑफ नाउ देर इज नो सिग्नल दैट मानसून बहुत डिले होगा या बहुत अर्ली होगा। वी आर अप्रोक्सीमेटली 1 वीक इधर उधर नॉर्मल के आसपास है, लेकिन एक्सैक्ट डेट हम लोग मई 15 को देंगे। अच्छा, तो 15 मई को एग्जैक्ट तारीख आएगी कि इस बार मानसून कब आ रहा है, लेकिन एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि बहुत ज्यादा कोई डिले वाली बात नहीं है, मतलब वक्त के आसपास ही मानसून की दस्तक हो जाएगी। ठीक है, अब मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं कि जो खेती वाले इलाके हैं जहां पर बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जहां पर खरीफ फसल की बुआई होती है, ऐसे राज्यों में बारिश के वितरण को लेकर, रेन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या रिपोर्ट है? सर, आप देखिए, जैसे मैंने वो मैप भी आपके पास है तो आप दिखा सकते हैं। आप देखेंगे ये जो सेंट्रल इंडिया है, जो सेंट्रल पार्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इवन नॉर्थ कर्नाटका, तेलंगाना, ये एरिया जनरली रेन फेड एरिया होता है, एंड अवर ऑयल सीड ऐसे बहुत से क्रॉप्स का ये भी होता है, और ये एरिया में मोस्टली हमको नॉर्मल या अबव नॉर्मल मिलने की संभावना है। और जो अदर एरिया से एनीवे इरिगेटेड एरिया है, और जैसे मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट में अच्छी बारिश एनीवे नॉर्मली बड़ा है, तो एज सच मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर मेन एरियाज में नॉर्मल या अबव नॉर्मल बारिश मिलने की संभावना है, मेनली रेन फेड एरिया में। ओके, तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन एक और बड़ा सवाल सर ये है डीएस पई साहब
कि 4 महीने का साउथ वेस्ट मानसून का सीजन होता है, जून से लेकर सितंबर तक का, और इन 4 महीनों में जून और जुलाई, ये 2 महीना खरीफ की बुआई के लिए बहुत अहम माना जाता है, और इन 2 महीनों में भी जुलाई का महीना बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि पूरे मानसूनी बारिश में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जुलाई महीने का होता है, ऑलमोस्ट 33%। तो सर, जून और जुलाई के लिए क्या फोरकास्ट है, इन 2 महीनों में कैसी बारिश की उम्मीद की जाए? देखिए, जैसे हम लोग इस प्रेस रिलीज में बताया था कि इस बार से हम लोग एक नया टेक्निक मल्टी मॉडल एनसेम्बल डायनामिकल फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं, और ये मंथली बारिश अभी फॉर एग्जांपल जून का बारिश मई एंड में देंगे, जुलाई का बारिश जून एंड में देंगे, दैट मीन्स एक हफ्ते से पहले तो उस महीने का बारिश का फोरकास्ट देंगे। इसके साथ साथ हम लोग ऑलरेडी एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट देते हैं, 4 वीक का वीकली फोरकास्ट देते हैं पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एवरी वीक अपडेट होती है। तो इसलिए एग्रीकल्चर डिसीजन लेने में इन एडिशन टू सीजनल फोरकास्ट हमारा ऐसे सिस्टम विकसित किया है, आपको मंथली फोरकास्ट भी मिलेगा और एवरी वीक नेक्स्ट 4 हफ्ते के लिए फोरकास्ट भी मिलता है। सो इसलिए ये डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो मुझे लगता है अभी हम लोग ऐसे एक सिचुएशन में है कि हमें एक महीने से पहले पूरा महीने का फोरकास्ट भी दे सकते हैं और वीकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी दे सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर प्लानिंग फ्रॉम दिस ईयर। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे, एक छोटा सवाल आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि देश का कोई ऐसा इलाका जहां पर आपको लगता है कि बहुत दिक्कत रहेगी बारिश को लेकर, सूखा भी पड़ सकता है, और कोई ऐसा इलाका जहां पर बहुत हैवी रेनफॉल होगा, बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं? देखिए, ये फोरकास्ट तो फोरकास्ट होता है, और मानसून में समटाइम्स इवन आप जो एक स्टेट में ही नॉर्मल रेनफॉल ऐसा फॉल होती है, लेकिन एक एरिया में बहुत अच्छी बारिश मिलेगा, एक एरिया में थोड़ा डिफिशिएंट मानसून होता है, तो ये सभी जनरली होता है। एक्सैक्टली स्पॉट छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट कैसे होगा ये बोलना सीजनल प्रेडिक्शन में मुश्किल है, लेकिन हम लोग जनरली वो एक्सटेंडेड रेंज प्रेडिक्शन में सम मोर स्टेट वाइज फोरकास्ट देते हैं, और शॉर्ट रेंज में नेक्स्ट 5 डेज के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज फोरकास्ट हो सकता है, लेकिन ये बहुत नेचुरल है और नॉर्मल है कि कोई भी एक मानसून सीजन में कोई एरिया में आपको पर्टिकुलरली सेंट्रल इंडिया अलोंग द वेस्ट कोस्ट या नॉर्थ ईस्ट में कोई कोई ओकेशन में हेवी रेनफॉल और फ्लड टाइप सिचुएशन होता है, इवन अलोंग द हिमालय प्लेन्स ऑफ हिमालयस में कभी कभी जो मानसून ट्रफ हिमालयस के आसपास जाता है कोई भी शॉर्ट पीरियड में फ्लड टाइप ऑफ सिचुएशन होता है। एंड एज सच जैसे हम लोग फोरकास्ट दिया ईस्टर्न पार्ट में सम एरियाज में थोड़ा डिफिशिएंट मानसून होने की संभावना। ओके, बहुत शुक्रिया डीएस पई साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मानसून पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो अच्छी बात यही है कि मानसून का जो पहला पूर्वानुमान है उसमें तो कम से कम ये बात कही जा रही है कि अच्छी बारिश इस साल होगी। अब जब अच्छी बारिश हो रही है तो एग्री मार्केट की तस्वीर क्या होने वाली है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी हैं, सी के प्रेसिडेंट हैं, एग्री मार्केट की गहरी समझ रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अतुल जी, अब तो सर मानसून का फोरकास्ट भी अच्छा आ गया, दो फोरकास्ट अच्छा आ गया, स्काईमेट का भी, आईएमडी का भी, अब तो कुछ गर्मी शांत होनी चाहिए, तिलहन की लगातार दाम बढ़ रहे हैं, 7300 के ऊपर चला गया सोयाबीन का भाव, हो क्या रहा है सर ये मार्केट में? नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये जो बरसात का और जो मानसून का प्रेडिक्शन आया है ये मार्केट को थोड़ा सॉफ्टन अप तो करना चाहिए, क्योंकि अगर मानसून अपना नॉर्मल रहता है और ये थर्ड ईयर होगा या कि मानसून अपना बिल्कुल सही टाइम पे और सही वॉल्यूम में दिखाई दे रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे खरीफ की बुआई बहुत तगड़ी होनी चाहिए, और अपने ऑयल सीड के लिए भी बढ़िया है और शुगर के लिए भी अच्छा होगा और चावल के लिए भी बढ़िया होगा, तो ओवरऑल ये तो बहुत अच्छे सिग्नल्स हैं, और ये मार्केट्स को थोड़ा कूल तो करना चाहिए, पर कितनी जल्दी कूल करेंगे ये कहना मुश्किल है, ये तो अभी देखने के बाद मतलब जून के बाद ही समझ में आएगा। हाँ जी जी जी, लेकिन सर अतुल जी, एक बड़ी बात यह है कि सोयाबीन के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं तूफानी रफ्तार से, पहले सोपा ने चिट्ठी लिखी सेबी को और अब आप लोगों ने भी चिट्ठी लिखी है, सी ने भी कहा है कि इसमें
सेबी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, सट्टेबाजी हो रही है, महीने भर में 1500 रुपये प्रति क्विंटल तक दाम बढ़ गए हैं। तो सर जब आपको आप लोगों को ये लग रहा है कि सट्टेबाजी हो रही है, तो आपको फिर ये भी पता होगा सर कि सट्टेबाजी कहाँ से हो रही है, कौन लोग कर रहे हैं, अगर इसके बारे में कुछ बता पाएंगे। नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये तो केवल NCDX वाले ही बता सकते हैं कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है और कार्टेलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। पर एक चीज तो तय है कि रोज का अगर इस कदर बाजार बढ़ेंगे तो एक तो आवकें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो भी किसान हो या ट्रेडर हो वो इंतजार ही करता रहेगा कि भैया आज हम क्यों बेचें, कल बेचें, कल क्यों बेचें, परसों बेचेंगे, क्योंकि रोज के अगर 2-2.5 हजार रुपए टन बाजार बढ़ता रहेगा तो इससे मार्केट्स में बिल्कुल ड्राइंग हो जाएगी। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत जबरदस्त हो रहा है, क्योंकि वो बेचारे इंपोर्ट कर नहीं सकते डीऑयल्ड मील। आज डीऑयल्ड मील वरना मुर्गियों बेचारे खिलाएंगे क्या, और क्रशिंग प्रैक्टिकली बंद जैसी होती जा रही है। तो इस सोयाबीन का होगा क्या अगर वो क्रशिंग नहीं होगी तो? और मेरे को डर ये लगता है कि जिस दिन कहीं कुछ न कुछ गवर्नमेंट का एक्शन हुआ, आज जो इतना तेजी से जिस रफ्तार से ऊपर चढ़ा है ये बाजार उसी रफ्तार से गिर भी सकता है। तो ये मार्केट के ऑर्डरली डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं है, और कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट्स को ही वो ना कर दे, क्या नाम, लोगों का फेथ ना उठा दे अपने फ्यूचर्स मार्केट के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, एक बात सर आप बताएं कि जो दाम बढ़ रहे हैं क्या फंडामेंटली मार्केट स्ट्रांग नहीं है क्या, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। और अगर फंडामेंटली मार्केट स्ट्रांग है तो फंडामेंटल के अकॉर्डिंग प्राइस एग्जैक्टली मार्केट में क्या होने चाहिए और उसके अगेंस्ट में प्राइस है क्या? फंडामेंटली तो मार्केट डेफिनेटली स्ट्रांग है, क्योंकि इंटरनेशनल क्लूज भी कोई नरम नहीं है, और दुनिया में इस कदर पैसा इसके अंदर कमोडिटीज के अंदर आया हुआ है तो वो इन बाजारों को टाइट तो कर रहा है इंटरनेशनली, और इंटरेस्ट रेट्स भी जो वर्ल्ड वाइड हैं बहुत ज़्यादा नीचे हैं। तो अगर इंडिया के कंटेक्स में देखें तो डेफिनेटली ये सिग्नल्स दे रहे हैं कि अपने यहाँ टाइटनेस है, बट इतनी भी टाइटनेस नहीं है कि बाजार पागलों की तरह रोज के 2-2.5 हजार रुपए टन बढ़ते जाए। और मतलब आप देखिए, मुझे थोड़ा एक आज मैं देख रहा था, रिव्यू कर रहा था, एक अजीबोगरीब बात लगती है। लास्ट ईयर जब 3.5 से 4 हजार रुपए टन की रेंज थी सोयाबीन सीड की, तो सर्किट लगता था 4% के ऊपर। आज बाजार 7,300-7,400 रुपए का लेवल हो गया है, तो जो सर्किट लिमिट है वो इसने क्या नाम NCDX ने उसको 6% कर दिया है। तो मतलब छोटा जो प्लेयर है इसमें तो वो तो टोटली वाइप आउट हो जाएगा, और वो मार्जिन भरते भरते वो खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं मेरे को लगता है सेबी को या NCDX को, इन सबको इसकी तरफ थोड़ा तवज्जो देनी पड़ेगी और इसकी तरफ कुछ ना कोई एक्शन ले, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट का अगर कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा तो कोई सही चीज नहीं होगी। और हम लोग इसके कतई खिलाफ है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, तो फ्यूचर्स का ट्रेड होना चाहिए, बस थोड़ा एक ऑर्डरली तरीके से होना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होना चाहिए, राइट। और फ्यूचर मार्केट बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पर्पस था फ्यूचर मार्केट लाने का उसका मकसद ये था कि एक प्राइस डिस्कवरी हो, ट्रांसपेरेंसी हो और किसानों को उसका फ़ायदा मिले, मिल भी रहा है बहुत हद तक, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जो डिमांड आप लोग कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोग आप लोगों की डिमांड से सहमत नहीं है, उनका मानना है कि जब दाम बढ़ते हैं तो इस तरह से लोग सवाल खड़े करने लगते हैं, लेकिन जब दाम बहुत गिर जाते हैं, किसानों को भाव नहीं मिलता है, तब ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं, अलग अलग तरह की दलील हो सकती है, ये अलग मसला है। लेकिन हाँ, दाम बढ़ रहे हैं और ये हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हम अलग अलग वॉइसेस रख रहे हैं कि लोग इस तेज़ी पर क्या बोल रहे हैं, और अगर इसको लेकर आगे कुछ एक्शन होता है, सेबी की तरफ से कुछ बात आती है या एक्सचेंज की तरफ से आती है, तो ये भी हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपनी बात रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, सोने और चांदी की। हमारे साथ अजय केडिया हैं और प्रथमेश माल्या हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजय केडिया जी, बताइए आज शाम के लिए गोल्ड और सिल्वर में क्या किया जाए?
गुड इवनिंग मिथुन जी। डेफिनेटली अगर पिछले 2-3 दिन की बात करें तो गोल्ड में हमने काफ़ी अच्छी तेजी आते हुए देखी। डोमेस्टिक मार्केट में 47,000 का एक अच्छा बैरियर बन चुका था जो काफ़ी टाइम से तोड़ा नहीं था। हमने पिछले हफ्ते में देखा था कि रुपए में जो गिरावट है वो डोमेस्टिक मार्केट में सपोर्ट कर रही। इंटरनेशनल में हमने डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती हुई देखी है। कोरोना का भी जो कंसर्न बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है और ETF में भी हमने बाइंग देखी है। तो आई थिंक ये सभी कारण है जो एक मीडियम टर्म और इंट्राडे दोनों में ही गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड को करंट मार्केट से भी ले सकते हैं या थोड़ा भी पुलबैक अगर 47,150 के करीब आता लेके चलिए 47,450 से 47,600 तक के लेवल हम गोल्ड में आते हुए देख पाएंगे। ठीक बात है। ओके, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर मेरी कॉपर की 10 लॉट की शॉर्ट की पोजीशन बनाई हुई है 695 रुपए 75 पैसे में, और अभी ये 719 रुपए हो गया। लॉकडाउन जैसी स्थिति हो रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है बहुत से जगह, तो क्या डाउन जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए प्रथमेश जी, क्या होगा कॉपर में आगे? आई थिंक कॉपर में काफी नहीं, बेस मेटल्स में सारा अच्छा मोमेंटम है, तो कॉपर में भी उसके साथ ही मोमेंटम काफी अच्छा, एक टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से यहाँ से नेक्स्ट मूव जो है 724 तक के लिए है, इनको अपने शॉर्ट्स में से निकल जाना चाहिए। ये फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, इनका स्टॉप लॉस लेवल काम करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट जो है 724 का है, शॉर्ट से निकल जाना बेटर स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है, अगला सवाल अवनी जैन का है, हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूछिए। संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन चने के ऊपर सवाल था इनका। बताइए अजय जी, चने में क्या लगता है आपको आगे? मुझे लगता है चने के फंडामेंटल काफी मजबूत है। हमने देखा था इस बार यील्ड में भी जो उतारे में गिरावट थी, और साथ में हमने देखा जिस दिन से लॉकडाउन जैसा माहौल बना तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी जो ग्रेन्स बांटने की बात की, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इसका सपोर्ट भी चने को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है टेक्निकल फैक्टर और फंडामेंटल फैक्टर दोनों ही सपोर्टिव है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो इंट्राडे में ऑलरेडी हम जैसे सोमवार की बात करें तो मार्केट में एक मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है जो 5,900 का लेवल है। हायर साइड है, मानसून काफी अच्छा बताया है, एग्री में अगर थोड़ा पुलबैक भी मिले तो लेके ही काम करना है शॉर्ट टर्म में 5,900। ओवरऑल हमें लगता है कि 6,200 तक के भी लेवल हम चेन्नई में आते हुए देख पाएंगे। ठीक है, अनिल है, अगला सवाल अनिल का है। पूछिए अनिल जी। सर ये चेन्नई में दिवाली तक का क्या व्यू लगता है? अजय केडिया जी से सवाल है। चने में दिवाली तक का भी बताइए अजय जी। देखिए अगर हम दिवाली तक की बात करें और खास करके चने की बात करें तो ओवरऑल व्यू मेरा तेजी का है, जो ऊपर में 6,500-6,600 तक का भी लेवल दिखाते हैं। बट ध्यान रखिए हमारे पास 2015-16 में हमने देखा गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी रहे हैं, तो आई थिंक अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन कुछ रहते नहीं है तो मुझे लगता है 6,500-6,600 का भी लेवल क्रॉस कर सकता है। फंडामेंटल इस बार काफी मजबूत रहेंगे और जिस ढंग से एग्री में पैसा आ रहा है ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूरे ही एग्री पैक को तेज रखेंगे। तो चेन्नई में मुझे लगता है बने रहिए 6,500-6,600 कंजर्वेटिवली मैं टारगेट बता रहा हूँ जो दिवाली तक दिखा देगा। ठीक है, क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है प्रथमेश जी? मेरे ख्याल से क्रूड में भी मोमेंटम काफ़ी अच्छा बना रहेगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर भाव से ट्रेड करना है तो क्रूड जो है 4780 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखना है तो आपको एंट्री पॉइंट रहेगा 4660, स्टॉप लॉस रहेगा 4580 का। मेरे ख्याल से क्रूड में भी मोमेंटम जारी रह सकता है। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मिथुन जी मुझे लगता है कि गोल्ड में बाइंग करके चलना चाहिए, प्राइजेस काफी बढ़ भी चुके हैं, बट करंट मार्केट से भी अगर लिया जाए तो मुझे लगता है रिवाइज टारगेट 47,550 से 47,600 का रहेगा। आपकी कॉल प्रथमेश जी। मेरे ख्याल से कॉपर में बाइंग करना चाहिए 713 पे, 706 का स्टॉप रहना चाहिए और ऊपर में टारगेट 724 के रहेंगे। ओके, आपकी आखिरी कॉल अजय जी। हमने पिछले 2-3 सेशन के अंदर क्रूड में काफ़ी अच्छी तेजी आती हुई देखी है, नो डाउट
हमने अपडेट्स भी पॉजिटिव आते हैं, बट हायर साइड थोड़ा कैप दिखाई दे रहा है, थोड़ा बाउंस मिलता है 4780 पे, वहाँ पे बेच के चलेंगे, 4700 से 4660 का टारगेट रहेगा। ओके, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।